आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू असस लाइफस्टाइल। सो गाइज, आज मैं अगेन आपके यहाँ शेयर करूंगी फ्लिपकार्ट की कुछ कुर्तीज जो कि अंडर 400 रुपीज मैंने मंगवाई है। सारी कुर्तीज जो है मेरी। हाय गाइज, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू असस लाइफस्टाइल। सो गाइज, आज अगेन मैं आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट की कुछ कुर्तीज जो कि मैंने अंडर रुपीज 400 मंगवाई है। एंड प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है कुर्तों की वह एकदम बेस्ट है। मुझे तो अंडर 400 रुपीज में यह कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि गाइस, ये जो कुर्तों की जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट है। सो चलिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आपसे ये कुर्ती। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड आपको मेरे कलेक्शन बहुत पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियो मतलब आपको पसंद आ रहे हैं। सो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है, आप देख सकते हो प्रिंटेड कुर्ती है एंड कोरल कलर में है यह कुर्ती। इसका जो मटेरियल है कॉटन रेयॉन ब्लेंड मटेरियल है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। एंड इसमें हमें 3/4 स्लीव्स मिलती है, साथ में राउंड नेक मिलता है, इस तरह से राउंड नेक मिलता है। एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 1749 रुपीस, बट मैंने इसे 371 रुपीस में परचेस किया है। एंड विशुद्ध ब्रांड से है यह कुर्ता, तो आप देख सकते हो। एंड बॉटम साइड में यहाँ इस तरह से फ्लेयर कुर्ता है, फ्लेयर होने के साथ साथ इस कुर्ते में इस तरह से कटिंग दी गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आजकल इस टाइप के कुर्ते जो है बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चलते हैं, मिस फ्लेयर होते हैं एंड साथ में ऐसी कटिंग होती है तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं। सो मैं आपको इसे वियर करके दिखाऊंगी वियर करने पर है कुर्ता कैसा लगता है। बट अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। अगर आपको यह कुर्ता पसंद आए एंड आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से परचेस कीजिए। सो चलिए, अब इसे मैं वियर करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा लगता है। When I'm sleeping next to your arms, only now we should be a moment to heal the scars. We can be enemies forever. You can be on my side tonight. We used to be in a game together. Now we only know to fight. I'm a liar. You're a liar. Don't look. So guys, आपको first kurta कैसा लगा? आप मुझे जरूर comment करके बताइए. And यह kurti मुझ पर कैसे लगते? ये भी मुझे जरूर बताइए। एंड चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। तो गाइस, ये मेरा सेकेंड कुर्ता है, ये भी विशुद्ध ब्रांड से ही है। एंड यह भी कुर्ता जो है विशुद्ध ब्रांड से है एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 1799 रुपीस, बट मैंने इसे 351 रुपीस में खरीदा है। जो मुझे इस प्राइस में यह कुर्ता बहुत अच्छा लगा एंड पूरा फुल प्रिंटेड कुर्ता है, फ्रंट साइड भी पूरा प्रिंट किया गया है एंड बैक साइड भी आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा प्रिंटेड कुर्ता है। इसमें भी हमें 3/4 स्लीव्स मिलती है एंड स्लीव्स पे भी यहाँ पे बॉर्डर में पूरा प्रिंट लगा हुआ है, मतलब आई मीन पूरा प्रिंटेड किया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें राउंड नेक दिया गया है, राउंड नेक के साथ साथ इसमें यहाँ पे टेजर लगा हुआ है, जो टेजर इस तरह के टेजर लगे हुए टॉप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बॉटम में भी इसमें इस तरह से बॉर्डर की गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड इस तरह के प्रिंटेड कुर्ता डेली वियर के लिए, कैजुअल वियर के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम डेली के ऑफिस गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हो। एंड इसका जो मटेरियल है यह भी कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट वाला कॉटन है, बिल्कुल चुभने वाला कॉटन नहीं है, जो मुझे यह बहुत पसंद आया है। सो चलिए, मैं जल्दी से इसे वियर करके दिखाती हूँ। एंड हाँ गाइस, जिसे मैंने एस साइज में परचेस किया था बट मुझे यह एम साइज में रिसीव हुआ, इसीलिए ये मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है। सो मैं इसे अब फिटिंग का ही करवा के रखूंगी। तो चलिए, अभी मैं आपका ऐसे ही इसे वियर करके दिखाती हूँ कि यह कैसा लगता है। सो चलिए देख। I'm
एंड लास्ट कुर्ता जो कि ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हो इस तरह से यह कुर्ता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, यह कुर्ता मुझे ओनली 260 रुपीस में मिला है, क्योंकि इस पे भी 70-75% ऑफ था जब मैंने इसे परचेस किया था। सारे कुर्ते 70-75% ऑफ में मैंने इसे परचेस किए हैं। सो यह कुर्ता तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस वाइज यह बहुत अच्छा है। 260 रुपीस का कुर्ता है एंड कॉटन का है पूरा, जो मुझे बहुत पसंद आया। एंड इसमें भी हमें 3-4 स्लीव्स मिलती है, स्लीव्स में इस तरह से पाइपिंग मिलती है। एंड यहाँ में स्ट्रेट कॉलर वाला नेक डिज़ाइन मिलता है इस तरह से। एंड यहाँ पे बटन अटैच की गई है, लेकिन ओनली 2 बटन्स है जो ओपन होती है, बाकी ये दोनों बटन ओपन नहीं होती है, ओनली डिज़ाइन पर्पस के हिसाब से है। एंड फ्रंट की ऊपर की दोनों बटन ओपन होती हैं, 3-4 स्लीव्स दी गई है। एंड जो तीनों कुर्ते हैं मेरे काफ लेंथ तक आते हैं, यह भी कुर्ता काफ लेंथ तक आता है। एंड इसके कटिंग में भी ऐसी पाइपिंग दी गई है, आप देख सकते हो, जो बहुत अच्छी लगती है पहनने पर। साथ में हमें यहाँ पे डिज़ाइन भी मिलती है ऐसी डोरी वाली, ओनली ये डिज़ाइन पर्पस के लिए है, इससे कुछ टाई वाई नहीं करना है, ओनली डिज़ाइन पर्पस से है। जब मैंने इसे परचेस करते टाइम मैं ये देखी थी डोरी, तो मुझे लगा आई थिंक ये टाई करने के लिए होगा, बट नहीं, ओनली ये फैशनेबल पर्पस के लिए है। सो चलिए अब मैं आपको इसे वियर करके दिखाती हूँ कि पहनने पर यह कैसे लगते हैं। परचेस करना हो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी कि यह कुर्ती का ब्रांड कौन सा है। तो इस कुर्ती का ब्रांड है लिबास कुर्ती के ब्रांड में हमें बहुत कम प्राइस में अच्छी स्टाइलिश कुर्ती मिल जाती है। एंड इसकी लिबास ब्रांड की एक और खासियत है कि इसकी जो क्वालिटी रहती है, हमेशा कुर्तों की क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है। सो चलिए मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।